आप सभी को छेरछेरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी पॉजिटिव लेकर आया हूं। छत्तीसगढ़ में एक और भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जल्द ही आवेदन करें। अंतिम तिथि 15 फरवरी को है। साथ में इसकी योग्यता के बारे में, कौशल परीक्षा के बारे में, साथ ही किस प्रकार चयन प्रक्रिया होगा, इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। और कितने पदों पर भर्ती होगी यह भी आपको जानकारी बताया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती अपडेट के बारे में भी इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। देखिए जैसे कि लगातार भर्ती निकल कर आ रही है उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। सभी जानते हैं कि हाल में अभी जो बिजली विभाग यानी कि लाइन परिचालक की जो 18 जनवरी को प्रारंभ होने वाला था, यानी कि कल 18 जनवरी है, उसी दिन प्रारंभ होने वाला था, लेकिन उसको कोरोना संक्रमण की स्थिति में रद्द कर दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि फिजिकल भर्ती कैसी होती है। जैसे देखिए जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, जैसे वन क्षेत्रपाल हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, अन्य जो फिजिकल होने वाला हो, तैयारी करते रहिए, निराश नहीं होइए। जो आपको फिजिकल का डेट दिया गया था उसके आसपास ही होगा, है ना। चलिए अब थोड़ा इसके योग्यता के बारे में जान लेते हैं, जो वैकेंसी निकल कर आई है उसके बारे में। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय धमतरी जिला छत्तीसगढ़ से, है ना, यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है। आवेदन जो प्रस्तुत करने की जो प्रारंभिक तिथि होती है 15 जनवरी 2022 को दिया गया है और उसकी अंतिम तिथि दिया गया है 15 फरवरी 2022 को, यानी कि आपको एक महीने का समय दिया गया है। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी के सामान्य स्थापना में जो निम्नानुसार, जैसे कि सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी में, स्टेनोग्राफर जो हिंदी में, सहायक ग्रंथी, ये तीन जो रिक्त पद हैं वो सीधी भर्ती हेतु एक सिस्टम, जैसे कि संविदा पद पर जो पूर्ति हेतु जो निर्धारित प्रारूप आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं उनके लिए दिया गया है। देखिए जैसे यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सहायक प्रोग्रामर के लिए एक पोस्ट दिया गया है, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए भी एक पोस्ट दिया गया है और स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए दो पोस्ट दिया गया यहाँ पर, और सहायक ग्रेड 3 के लिए 4 पोस्ट दिए गए। सिस्टम असिस्टेंट के लिए जो संविदा भर्ती होनी है उसके लिए एक पोस्ट दिया गया है। देखिए यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि जो भर्ती प्रक्रिया की जो शर्तें हैं, सहायक प्रोग्रामर के जो पद के लिए जो मैट्रिक लेवल होता है जो 2017 के अंतर्गत, उसके रुपये 38,100 से 120,400 दिया गया है। अब यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्था से कंप्यूटर विज्ञान या संबंधित विषय में MCA या MSc या BE या BTEC डिग्री होना आवश्यक है, या फिर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी स्नातक की उपाधि होना आवश्यक है। यहाँ पर जो सिस्टम असिस्टेंट है ये संविदा पद के लिए है। संविदा का जो लेवल है 18,420। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो यहाँ पर डिप्लोमा, ITI एजुकेशन या 10वीं पास स्टैंडर्ड से या कोपा होना आवश्यक है। यहाँ पर शर्तें जरूरी है कि देखिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा यहाँ पर इसके शर्तें के लिए। जो चयनित अभ्यर्थी का जो कार्य है वो 12 माह के लिए होगा, मतलब एक साल के लिए। इसके पश्चात जो सक्षम पदाधिकारी के द्वारा उसके कार्य क्षमता और योग्यता को देखते हुए उसकी अवधि को पुनः आगामी 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब इसकी जो आयु सीमा की बात करते हैं तो यहाँ पर 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर चयन प्रक्रिया की बात करते हैं सहायक प्रोग्राम के, यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी। यहाँ पर परीक्षा 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगी जिसमें प्रत्येक अंक में एक अंक होगा और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 अंक काटा जाएगा, ध्यान रखिए दोस्तों। और लिखित परीक्षा के जो समय होगा वो 1.5 घंटे का निर्धारित किया गया है और जो परीक्षा की जो न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। और जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में 50% या अधिक अंक प्राप्त करेंगे उनके प्राप्त की जो चयन सूची होती है मेरिट से तैयार हो जाएगी। जो चयनित उम्मीदवार की सूची साथ साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात जो कौशल परीक्षा है, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए जो कौशल परीक्षा होता है उसके पद के उम्मीदवार को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट अंग्रेजी श्रुति लेख दिया जाएगा जिसमें परीक्षक निर्धारित समय 30 मिनट का होगा, मतलब आधा घंटे के लिए आपको टाइप करना पड़ेगा। और श्रुति लेख जो त्रुटि के लिए जो 1/2 अंक काटा जाए, जो हेडिंग बोल्ड या पैराग्राफ जो सेटिंग तथा टाइप की जो प्रत्येक अशुद्धि के लिए 1/2 अंक काटा जाएगा। और कौशल जो परीक्षा होगी 100 अंकों की होगी और ये कौशल परीक्षा जो किस में लिया जाएगा, Ubuntu Linux में लिया जाएगा, ठीक है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है, यह जानकारी आपको पसंद आता है तभी लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा ना करिएगा। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी देने के लिए।